जेट 3X बॉक्स द्वारा सैमसंग के एंड्रॉइड मोबाइल रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम डेस्कटॉप से सेल का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद ब्रांड में हम सैमसंग सेलेक्ट कर लेते हैं और सीरीज में जो भी सीरीज का मोबाइल है, जैसे कि हमारा मोबाइल अभी GT S6102 है, तो यह मोबाइल GT सीरीज का हो गया, तो हमने यहाँ से GT सेलेक्ट कर लिया। और GT सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम S सीरीज पे आते हैं और S सीरीज के अंदर हम यहाँ से 6102 मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने S6102 मॉडल सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद हम रन पे क्लिक करते हैं। रन पे क्लिक करते ही जेट 3X बॉक्स का सैमसंग का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ से सबसे पहले मोबाइल को फ्लैश करना सीख रहे हैं कि सैमसंग के एंड्रॉइड मोबाइल जेट 3X बॉक्स द्वारा किस प्रकार से फ्लैश करते हैं। मोबाइल फ्लैश करने के लिए हम यहाँ से फ्लैशिंग में जाते हैं और फ्लैशिंग में जाके मोबाइल को ऑफ करके चार्ज बैटरी के साथ डाउनलोडिंग मोड में, सैमसंग के मोबाइल को डाउनलोडिंग मोड में लाने के लिए सबसे पहले मोबाइल को ऑफ कर लेते हैं और बैटरी जो है वो 40% से ज़्यादा होना चाहिए चार्ज। इसके बाद हम मोबाइल में वॉल्यूम डाउन बटन, जिससे आवाज़ कम होती है, और होम बटन और पावर बटन, इन तीनों बटनों को एक साथ दबाते हैं तो हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे इस प्रकार से वार्निंग लिखी आ जाती है। इसके बाद इसमें दो ऑप्शन आते हैं, वॉल्यूम अप से कंटिन्यू और वॉल्यूम डाउन से कैंसिल। तो हम वॉल्यूम अप वाले बटन को दबाते हैं तो हमारा मोबाइल डाउनलोडिंग मोड में आ जाता है। इसके बाद हम मोबाइल को USB केबल द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ से फाइल्स को सिलेक्ट करते हैं। फाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए कई मोबाइल की एक सिंगल फाइल होती है जिसके ऊपर होम लिखा होता है, तो उसको हम PDA वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करते हैं। और कई मोबाइल की जो चार फ्लैश फाइल होती हैं, जिसमें से हम बूट के अंदर बूट लोडर वाली, PDA के अंदर कोड वाली, फ़ोन के अंदर मॉडेम वाली और CSC के अंदर CSC वाली, इन चार फाइल को सिलेक्ट करके डी पार्टीशन पर टिक लगा के फ्लैश पर क्लिक कर देते हैं, हमारा मोबाइल फ्लैश होना स्टार्ट हो जाता है। यदि हमने यहाँ से सिंगल फाइल सिलेक्ट की है ओनली PDA की, तो हम रीपार्टीशन पर टिक ना लगा के सीधे डायरेक्ट फ्लैश पर क्लिक कर देते हैं, मोबाइल हमारा फ्लैश हो जाता है।